आफ्ताब, आफ्ताब नाम में सब कुछ समाये थे फिल्म में। फिल्म के शुरू में एक मुख्यमंत्री का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मर्डर होता है और मर्डर होते ही आफ्ताब पकड़ा जाता है क्योंकि आफ्ताब ने गोली चलाई होती है। मेरी फिल्म में आफ्ताब एक अंधा है, अंधे लड़के ने गोली चलाई होती है, सिवा साफ शूटर गोली चलाता है, मुख्यमंत्री का मृत्यु हो जाता है, मर्डर हो जाता है और उसको पुलिस पकड़ लेती है। टक 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 उसका कास्टिंग शुरू होता है और फिल्म का रीस्टार्ट होता है। और चूंकि पुलिस तो पकड़ लेती है उसको, लेकिन असली कातिल वो नहीं होता है, करवाने वाला कातिल कोई और होता है, उसके पीछे उसकी मंशा होती है। जैसे जब हमारे यहाँ अटैक हुआ था, जब दिसंबर 2008 में जब 26 अटैक जो हुआ था, उसमें हमें कसाब पकड़ा गया था, बट कसाब वॉज नॉट द रियल विक्टिम, रियल विक्टिम तो कोई और था। उसी तरह से मेरे फिल्म में यही दिखाया गया है कि पकड़ा जाता है आफ्ताब, लेकिन आफ्ताब वॉज नॉट द रियल विक्टिम, असली कातिल कौन है। तो फिल्म में दो चरणों में चलती है, एक यूथ बेस्ड फिल्म है, यूथ सस्पेंस फिल्म, मेरी फिल्म में दो कंसेप्ट हैं। एक फिल्म यूथ बेस्ड चलती है जिसमें कॉलेज का दिखाते हैं, बहुत मस्ती दिखाते हैं, और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन चलता है कि आखिर किलर कौन था, मर्डर कौन था। तो पुलिस तो आफ्ताब को पकड़ लेती है आफ्ताब के थ्रू, और फिल्म के लास्ट सीन में जाके हम पकड़ में आते हैं वो था रियल मर्डर। तो पूरा फिल्म कास्टिंग क्रू को लेकर के हम लड़ते हैं, हम झकझोरते हैं, फिल्म में मस्ती है, गाना है, मेलोडी है, इन्वेस्टिगेशन है और सस्पेंस है, थ्रिल है, और लास्ट में पकड़ाते हैं ही इज द रियल विक्टिम, ही इज द रियल किलर। ये फिल्म सस्पेंस पर आधारित है, एक अच्छी मूवी है, बहुत सुंदर सुंदर गाने हैं, हमारी टीम बहुत अच्छा है। कास्टिंग की बात करें डॉक्टर, कास्टिंग हो चुकी है, कौन-कौन हो रही है? कास्टिंग में बहुत कुछ फाइनल हो चुका है, लेकिन कास्टिंग को मैं आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि कास्टिंग के लिए हम आज रात को ही मैं और मेरी कास्टिंग डायरेक्टर जो बैठी हुई यहाँ पे अपर्णा जी, हम लोग फाइनलाइज करेंगे। एक आपको नाम बता, जो मुख्यमंत्री है इसका मर्डर होता है वो है अंजन श्रीवास्तव जी, अभी वो रास्ते में है, भी आ रहे होंगे, आएंगे तो जरूर आ जाएंगे, आपसे मिल भी लेंगे। अंजन श्रीवास्तव जी को आप जानते होंगे, वो हमारे मुख्यमंत्री, उन्हीं का मर्डर होता है फिल्म में। सर क्या सर जी ईश्वर बिद्री जी हैं, और सर के साथ एक बहुत बड़ा आशीर्वाद, एक हाथ होता है, ब्लेसिंग हैंड होता है। सर जी जो मुगले आजम फिल्म थी उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और खासकर दिलीप जी को ये देख रहे थे फिल्म के अंदर भी, यूसुफ खान जी को, तो काफ़ी अच्छा अनुभव, और इनके अनुभव से हमें बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है, ज्ञान मिलता है, करने का एक सौहार्द मिलता है। जी सर, राकेश जी ने अभी बताया कहानी स्टोरी, हमें बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छी है, सोच बहुत अच्छी है, इससे लोगों को बड़ा मैसेज मिलेगा, और अभी बहुत से आपने काम किए हुए हैं और आपका अच्छा नाम है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस काम के अंदर ये सक्सेस हो। इन्होंने जो नाम टाइटल रखा है आफ्ताब, बहुत अच्छा है, लाइफ में भी ये आफ्ताब बनेंगे और काम में भी करेंगे, और खुदा ने चाहा बहुत नाम रोशन करेंगे, खुदा इनको बरकत देगा। मेरा नाम इलाही बख्श सिद्दीकी है, रियाज, और मैंने बहुत काम किया है फिल्मों में, यहाँ तक कि एक फिल्म थी गाइड, देखी हुई आपने गाइड, उसमें मैं असिस्टेंट था फली मिस्त्री का, उसमें मैंने बहुत शूट किया है। एक कैमरामैन थे अशोक मेहता, नाम सुना था, उनका मैं गुरु हूँ, मैंने ही फोटोग्राफी सिखाई थी उनको 1958 में, हाँ, उसके बाद में छोटे थे, अब बड़े होकर उन्हें बहुत नाम रोशन किया है, समझे, 63, 64, 65 में उन्होंने बहुत पिक्चरें की हैं, और जिसमें उन्होंने खलनायक भी करी है। हम लोग का ग्रुप था उस ज़माने में काम करने का, तो अब तो वो लोग नहीं रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने के इंसान हैं हम, और अब कलर भी है, तो एक फिल्म बना रहे हम, रहनुमा नाम रखा था फिल्म का, नाम चेंज किया है, एक बड़े डायरेक्टर ने हाथ रखा है मेरे ऊपर कि डैडी आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं, उस फिल्म को कर रहे हैं, अच्छा बजट है, करीब 40 करोड़ का बजट है, कार्तिक जी काम करेंगे उसके अंदर, और सब लोग मेरी बड़ी इज्जत करते हैं कि 88 रनिंग कर रहे हैं, 88 साल के हैं, 2 कम 90, लेकिन खुदा की मेहरबानी है, यश है, तेजी है, और एक 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 बैठी हमारी ये शीला झा जी, हमारी फिल्म में इन्होंने गाना लिखा है, रहनुमा जा रहा है सब कुछ छोड़ के, अमिताभ बच्चन के ऊपर है, जो भी गाना रिकॉर्ड किया है हमने, लोग उस गाने को सुनते रो देते हैं, तो मैं इनकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ कि तुम्हें खुदा ने बड़ी बरकत दी है लिखने की, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप और आगे तरक्की करें। बहुत सी फिल्मों में इन्होंने, अनूप जी ज़्यादातर भजन इन्हीं के गाते हैं, ये भजन ही बहुत अच्छी लिखती हैं। चलिए, और कुछ बोलिए सर, क्या कोई बदलाव आया होगा उस ज़माने में? उस ज़माने से अभी इस ज़माने में बहुत बदलाव आ गया है, हम लोग सीधे सच्चे सच पे चलते थे, आज लोग आग जो है ना
बोलते ज़्यादा हैं, काम नहीं करते हैं। हम लोग के ज़माने में बोलते कम से काम ज़्यादा करते थे। और बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया, सचिनजीत राव के साथ, विमल राव के साथ, सौरभ मोदी के साथ, उनके साथ उनकी सोच ली है हमने। गुरुदत्त जी के साथ ही मैंने पीछे करी है चौधरी का चांद, कभी देखी हो आपने, प्यासा है, तो ये सब चीज़ें थी। तो हमने उनकी कुछ आइडियाज़ भी लिया करते थे या डायरेक्शन में कैसे काम कर रहे हैं क्या है। तो आज वो सोच हमारे दिमाग में भरी है, ये सब सोचों को लेकर मैंने कहानी लिखी है बागवान 2। इंशाल्लाह ये टाइटल मिल गया हमको। तो सूरज बजातिया जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजश्री वाले, बस ईश्वर से प्रार्थना करिए आप लोग अपनी फिल्म में हम कामयाब हो जाएं। एक हमारी पहली और लास्ट फिल्म होगी पुलिस में। राकेश जी, मेरा सवाल आपसे है, अफ्ताब इन दिनों एंडिंग में चल रहा है, श्रद्धा मर्डर केस की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहा है, अफ्ताब कातिल आपने टाइटल दिया है, फिल्म का नाम दिया है, तो क्या कुछ संदेश उस अफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के इस फिल्म में? सर मेरा एक ही कंसेप्ट है, मैं एक लाइन इसके बाद में काम करने वाला हूँ। सर मैं हिंदू मुस्लिम को कभी अलग, दो मुल्क, दो अलग अलग धर्म के बारे में नहीं देखता हूँ, मैं इंसान के बारे में देखता हूँ। सर मैं एक छोटा सा कंसेप्ट जिसमें मैं हमेशा काम करता हूँ कि आओ करे आगाज, मैं आगाज मतलब एक थीम होता है, आओ करे आगाज, आओ करे आगाज, हर मुसलमान मंदिर को जाए, हिंदू पढ़े नमाज, आओ करे आगाज। मेरे कहने का मतलब ये है, एक छोटा सा कंसेप्ट, आफ्ताब नाम को देख के थोड़ा सा मैं भी थिरक गया था, घबरा गया था कि मैं इस नाम से फिल्म बनाने जा रहा हूँ, लोग उसी नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस है, अभी यहाँ पे बैठे हुए इम्तियाज जी बगल में, इम्तियाज जी से मैंने डिस्कस किया बात को, तो उन्होंने कहा नहीं राकेश तुम आफ्ताब के साथ जाओ। मैंने कहा सर मैं आफ्ताब नाम से मुझे डर लग रहा है कि फिल्म लोग देखने जाएंगे नहीं, आफ्ताब नाम एक विलेन के रूप में हो गया। बोला बिल्कुल सही कह रहे हो, लोग जब विलेन के रूप में फिल्म को देखने जाएंगे और जब देख के आएंगे तो बहुत पॉजिटिव फिल्म है। आफ्ताब एक कैरेक्टर बुरा है, एक नाम बुरा है, एक शख्स बुरा है, एक इंसान बुरा है, आफ्ताब नाम नहीं बुरा। आफ्ताब बहुत सुंदर नाम है, बहुत मतलब कहते हैं उर्दू से एक मतलब छुपा होता है जिससे जन्नत आदमी पहुंचता है। तो एक आफ्ताब नाम सुंदर है, काम सुंदर है, फिल्म सुंदर है, फिल्म में उस आफ्ताब से इस आफ्ताब का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उस आफ्ताब के चलते मेरी फिल्म को एक ब्लॉकेज भी मिलेगा, मैं एक भी यही बता रहा हूँ, लोग उस आफ्ताब को देखने जाएंगे देखेंगे कुछ और। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हमेशा अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, नाम पे नहीं। नाम बुरा हो सकता है, काम बुरा नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि जो आपकी स्टोरी जिसमें ब्लाइंड होता है अंदर मेन, वो विलन नहीं है, विलन कोई होता है। एक आगे पीछे आई थी अमिताभ बच्चन की जिसमें रोहड़ी की थी, क्या कुछ उससे रिलेट करते हुए वर्ल्ड का स्टोरी बनाई? उससे कहीं भी रिलेट करते हुए नहीं बता रही। मैं अपनी फिल्म में एक जगह मेरे अभी मेरी बातें चल रही है, इसे फाइनलाइज नहीं बोलूँगा, एक छोटा सा किरदार अमिताभ बच्चन जी को भी देने वाला हूँ मैं, एक छोटा सा किरदार, लेकिन चूंकि उनकी तरफ से यस नहीं आया इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ। ये 2 मिनट का एक कास्टिंग है जो अमिताभ जी करेंगे, और अमिताभ जी ने उस कैरेक्टर को आज तक कभी निभाया नहीं अपने लाइफ में। अमिताभ ने 200 फिल्में की लेकिन आज तक कभी उस कैरेक्टर को नहीं निभाया, लेकिन जब तक उनकी तरफ से परमिशन नहीं आता मैं उसको यस नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं गया उनके पास लेटर, वो बात की बात है। आपने जो कही बहुत अच्छी बात कही, लेकिन किरदार क्या होता है सर, सबसे बड़ी बात होती है आप जब बनाते हैं, आप जब करते हैं। फिल्म एक फोर्थ मीडिया है, हमारा 3 मीडिया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, फोर्थ मीडिया प्रेस होता है, और प्रेस का 2 सेक्शन होता है, प्रेस जो आप नहीं देखते आज तक डी न्यूज सब टीवी, और तीसरा होता है, दूसरा होता है फिल्म एंटरटेनमेंट जिसमें सीरियल देखते हैं और फिल्म देखते हैं। तो एंटरटेनमेंट में आफ्ताब को ला रहा हूँ मैं, एक अच्छा किरदार है, बहुमुखी प्रतिभा का किरदार है, और ये साफ शूटर, बहुत अच्छा शूटिंग करता है। तो उस किरदार से इस किरदार का कहले आने में एक बहुत सुंदर, अच्छी और अच्छी मूवी। सर आप क्या कहेंगे सर इनके बाद नाम? मैं तो यही कहूँगा कि फिलहाल मैं कुछ कहने के सामने नहीं हूँ, छाले आए एक ही इनके मैं एक अनिल जी की तरफ से एक टाइम बोलना चाहूँगा सर, दो हाथें मिलती तो ताली बजती है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे दो हाथें रामाकृष्ण और द्वारका जी है, बस और कुछ नहीं कहूँगा। द्वारका जी ये रामाकृष्ण है। सर किधर सहयोग रहेगा आपको बताएंगे, सहयोग रहेगा आपका? अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, करने दीजिए इनको, जैसा साथ में है जुड़े हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कामयाब हो और जल्द से जल्द मार्केट में प्रोजेक्ट इनका रिलीज हो, बस इतना ही कहूँगा। चलिए मैम, कास्टिंग की बात करें, कैसा चयन आप करना चाहेंगे फिल्म में और क्या कुछ तैयारियां? अभी तो जस्ट, सॉरी मेरे गलती में थोड़ा सा प्रॉब्लम।
हाँ जस्ट आज तो शुरू हुआ हम लोगों का, इसके बाद ही हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी सर ने जो ऐसे जैसे बताएंगे आगे हम वैसे ही करेंगे। हमारा अभी इस विषय में डिस्कशन शुरू नहीं हुआ है, जस्ट करेंगे। वैसे कंफर्म है कि हम लोग कर रहे हैं किस तरह से। ऑल टाइप रिक्वायरमेंट बेस जैसे रहेगा हम लोगों का वैसे ही लिखेंगे। अभी तो मैंने गाना लिखा नहीं है, लेकिन राकेश भाई ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि मेरा नाम भी उन्होंने पोस्टर में डाल दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि जो आफ्ताब है उसमें जो फिल्में बनाए जा रहे, राकेश भाई का जो इतने सारे लोगों का सहयोग मिला है, तो ये बहुत जल्द कम्प्लीट हो। और मेरी प्रार्थना है कि जल्दी पिक्चरें बने और मार्केट में पहुंचे, लोग इसके लिए वाहवाही करें और हमारे नाम हो, और कि आपका भी नाम हो, हमारा भी नाम हो, हमारे पूरे ग्रुप का टीम का नाम हो और पिक्चर अच्छी चले, यही उम्मीद करते हैं। बिल्कुल जी जी। सर आपके म्यूजिक डायरेक्टर में दो आदमी का नाम है जी, मैं हम सिकंदर शाह है और एक और हमारे दोस्त हैं संतोष श्रीवास्तव। हम दोनों भाई को संगीत है इसमें, हम दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें हमारे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मेरे गाने से ही इस फिल्म की पहचान बने और कहानी की सिचुएशन के हिसाब से जो गाने हैं उसके हिसाब से मैं करूँगा इस गाने को। अच्छा राकेश सर, आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से, कब तक फिल्म रिलीज, कब तक टूर पे जा रहे हैं आप, क्या प्लान है आपका का? लोकेशन की क्या प्लानिंग है सर? लोकेशन हम 1 वीक का लोकेशन हमारा है मुंबई के अंदर, क्योंकि मुंबई के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मर्डर है, तो 1 वीक हम मुंबई में शूट करेंगे। और बाकी जो हमारी बातें चल रही है, दूसरे डायरेक्टर प्रदीप जी नहीं आए अभी, वो दूसरे फिल्म के मुहूर्त में लगे हुए हैं गोरेगांव में मोतीलाल राम में। तो जो हम फिल्म का जो शूटिंग करेंगे वो उत्तरांचल में करने वाले, उत्तराखंड में करने वाले, जिसके उन्होंने जगह पिक किया है देहरादून, मसूरी, शिमला, हिमाचल का शिमला, हिमाचल तो हिमाचल और देहरादून मतलब उत्तराखंड में हमारा प्लानिंग है। उससे मुख्य लोकेशन है देहरादून, शिमला, नैनीताल, ये सारे हमारे लोकेशन है जहाँ हम फिल्म को शूट करेंगे मोस्टली। कब तक लोग देख पाएंगे इस आफ्ताब को? ये आफ्ताब को हम कल से हमारा, आज रात से हमारा काम शुरू हो जाएगा, ये चूँकि एक हम लोग हिंदू वर्ग से, तो हिंदू वर्ग में कल से एक खरवास शुरू हो जाता है जी। तो खरवास में किसी भी नेक और अच्छे काम को शुरू नहीं करते, किसी भी काम को नहीं करते हैं। तो चूँकि आज हम खरवास से पहले ही 1-6 दिन में हमने इसका शुभारोपण कर दिया, यानी इसका बीज हमने रोप दिया, तब हम काम करते रहेंगे। मैं और कास्टिंग डायरेक्टर रात शाम को बैठेंगे और फाइनलाइज करेंगे उसका, किसको क्या करना, बहुत कुछ है फाइनलाइज है, लेकिन फिर भी एक फाइनल डील करने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट लोग आए हुए हैं, टेक्नीशियंस भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो लोग फाइनल है। लेकिन अब हम किसी का नाम कुछ नहीं इसलिए नहीं बोलेंगे कि आज मैं और कास्टिंग डायरेक्टर बैठेंगे, उसके बाद हम लोग उसका जब सेकेंड ट्रैक पर बुलाएंगे तो फिर आपको हम बताएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली हम मार्च से शूटिंग पर चले जाएंगे, मार्च से इस बीच में 2 महीने हम सारा काम करेंगे, जनवरी फरवरी। हिट सुपर हिट के बाद अगर कुछ हो सकता है तो इस फिल्म आफ्ताब का नाम, आफ्ताब नाम ही बहुत सुंदर है, बहुत अलबेला नाम है, बहुत इस नाम से तक फिल्म नहीं बनी है। आफ्ताब बहुत सुंदर नाम है, बहुत अच्छा नाम है। और बस एक आफ्ताब ने कुछ गलत किया है, उसको लोगों के बीच में संदेश जाएगा कि आफ्ताब का मतलब असल में सुंदरता होती है, अच्छाई होती है, बड़प्पन होती है, एक नाच होती है, एक शान होती है। आपके करियर की बात किया जाए तो आपने शुरुआत एक एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर तौर पर की और एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर और आज एज ए डायरेक्टर, तो उस दौर को और इस दौर में आपने कितनी समान दिया? मैंने शुरुआत किया था एक असिस्टेंट डायरेक्टर सीरियल को लेकर के, वो सीरियल था जी टीवी का सीरियल बन रहा था, उस सीरियल में असिस्टेंट डायरेक्टर था। क्योंकि उसी दौरान मैंने जैसे सीरियल ख़त्म हुआ था, मेरे दिमाग में लिखता हूँ, मैं एक राइटर भी हूँ, मैं गीत लिखता हूँ, तो मैंने उस वक्त लिखा था आगाज। और आकाश में 2002 में मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, 6 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, 6.5 मिनट की। उस आकाश डॉक्यूमेंट्री के मुझे नेशनल अवार्ड मिला था और मुझे पुणे में नेशनल अवार्ड मिला था, CYDS, सेंट्रल यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये पुणे में एसोसिएशन है। मुझे जया बच्चन जी ने अवार्ड दिया था और मुझे उस रात को सुभाष गर्ग जी के साथ खाना खाने का मौका मिला था, डिनर हम सुभाष गर्ग जी के साथ। और मैं पहली बार 5-स्टार होटल में ठहरा था, उसके पहले तक 5-स्टार होटल में ठहरा था। और पहली बार मुझे हवाई जहाज से आने जाने का टिकट दिया गया था, 2002 से पहले मैं कहीं हवाई जहाज में चढ़ा भी नहीं था। तो ये सब कुछ उस आगाज ने मुझे दिलवाया था। तो उसी सेक्शन में सेकंड फ्लोर में सिकंदर जी से बात कर रहा हूँ,
मैं दूसरे में डायरेक्टर तो नहीं आया, मैं आओ करे आकाश का लॉन्चिंग करने वाले, मैं एक अगर आप लोग कहें तो मैं एक अंतरा आपको सुनाना चाहूँगा, एक अंतरा एक मिनट सर, आओ करे आकाश, आओ करे आकाश, हर मुसलमान मंदिर को जाए, हिंदू पढ़े नमाज, आओ करे आकाश, आओ बनकर देखे राम, ध्यान दीजिएगा, आओ बनकर देखे राम, पढ़कर हम देखे कुरान, ले ले हम गीता का ज्ञान, सुबह सुबह अल्लाह का नाम, एक दो जे के दिल में झाके, रहे न कोई राज, आओ करे आगाज, आओ करे आगाज। एक लाइन और, गांधी का यह देश है अपना, गांधी का यह देश है अपना, मौलाना का भीता सपना, हवा अमन की बहे यहाँ बस, राम मोहम्मद संग संग जपना। गांधी का यह देश है अपना, मौलाना का भीता सपना, हवा अमन की बहे यहाँ बस, राम मोहम्मद संग संग जपना, हिंदी के हर चौबारे पर उर्दू की आवाज, आओ करे आगाज। क्या बात है, बहुत 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 जमाना गांधी का। कलाकारों की बात की जाए तो बड़े कलाकारों में इस फिल्म में जहाँ पे देखा जा रहा है कि यशपाल शर्मा जी और अखिलेश मिश्रा जी का नाम। यस, मैंने यशपाल शर्मा जी में, अखिलेश मिश्रा जी में, ये अंजन श्रीवास्तव जी हुए, अली खान जी हुए, काफी कलाकार, लेकिन अभी मैं इसको फॉर्मल नाम इसलिए नहीं अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं जब अपने कास्टिंग के साथ बैठूंगा तब मैं फॉर्मल इसको अनाउंस करूंगा, इसलिए मैं इसको भी कुछ बोल नहीं जाऊंगा। आप बताइए, अच्छा अपना परिचय दे बताइए। मैं बेल्स की पति तुंडू कलकत्ता से हूँ, बंगाली आर्टिस्ट, 5 मूवी एज ए लीड एक्टिंग कर चुकी हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और अभी बस 20 दिन ही हुआ है मुंबई आई हूँ नया प्रोजेक्ट के लिए। तो अफ्ताब भी आज लॉन्च हो रहा है, तो कहीं आपको अफ्ताब में लॉन्च तो नहीं होने वाले हैं? हो सकता है, पता नहीं, इनको ही पता होगा। ये आई हैं तो इसीलिए तो आई हैं, और किस लिए आई हैं, और हम क्या है यहाँ पे, इसलिए आई हैं। राकेश जी के लिए शुभकामनाएं हैं सर, बहुत अच्छा काम करें, अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम होना चाहिए, और अभी ऐसे डायरेक्टर की, ऐसे राइटर की जरूरत है, और मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो उन्होंने बताया हमें अच्छा लगा, नाम भी अच्छा, टाइटल बड़ा अच्छा, कोशिश तो कर रहे हैं ये बहुत अच्छी, तो आप देखो भाई कामयाब होने चाहिए, ऊपर वाला कामयाब करे, हमारे लिए यही शुभकामनाएं हैं उनके साथ। आपका सहयोग कैसे रहेगा सर? नहीं, हमसे जो जैसे भी ये करेंगे, हम तो टेक्नीशियन आदमी, हम तो आर्टिस्ट हैं नहीं, हम तो टेक्नीशियन आदमी हैं, जैसे भी जिस तरह से हमें जब बोलेंगे हम इनके पास आ जाएंगे, जब ये कहेंगे हम इनके लिए करें तो याद रहेंगे। सर आप क्या कहेंगे? हमारे अच्छे मित्र हैं, इन्वाइट किए आए हैं, उनके लिए जो भी सहयोग होगा वो करेंगे, बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं हैं उनके साथ। मैं दो लाइन पे यही कहूँगा, इम्तियाज जी ने और सर ने बोला जो, हिम्मतें मर्दे मदद खुदा, हिम्मत तो कोशिश ही कामयाब होती है, कोशिश ही कामयाब। नवाब अर्जुन, नवाब अर्जुन के गाने लिखे, नवाब अर्जुन साहब का आपने गाना गीर वो सुना होगा गाना, उसमें ना मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादे तो टूट जाते हैं, तो कोशिश ही कामयाब होती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा नाम चंपक बैनर्जी, आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द आउटडोर, आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ आउटडोर आई हैव टॉर्ड द एंटायर सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ एशिया, एंड आई हैव कंप्लीटेड लाल पहाड़ बोथ द मिसिंग फाइल्स फीचर फिल्म, जिसकी एडिटिंग और डबिंग मिक्सिंग पोस्ट प्रोडक्शन में है, इसका प्रोमो गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभी अभी रिलीज हुई है, और मेरी फ्रेंड अपर्णा जो कास्टिंग की है इसमें मेजर लीड की है, वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, इंडो बांग्ला फिल्म फेस्टिवल में उसे अवार्ड भी मिला है, और नेशनल अवार्ड, दादा साहब फाल्के जन्मभूमि अवार्ड, भारत सिने अवार्ड, ऋतुपर्ण घोष कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट फिल्म अवार्ड लेने के बाद मेरी फिल्म लाल पहाड़ पोस्ट द मिसिंग फाइल्स रेडी है, जिसके लिए मैं कभी भी आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा। मैं पूरी टीम को, आफ्ताब कातिल की टीम को बधाई देता हूं, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। या ये सर बताइए। हेलो, मैं सपना पाटिल हूँ, मैं वेब सीरीज में काम करती हूँ, और मैं मराठी एक्ट्रेस हूँ, अभी इस बैनर में आए हैं, तो इस फिल्म के लिए भी हम आए हैं, जीत जी के जरिए हम इस फिल्म के लिए आए हैं, तो देखिए जी। माफ करेंगे सर, मेरा नाम प्रेरणा प्रवीण नेवरेकर है, और मैंने एक वेब सीरीज की है अदर देन फ्रेशर, और ये मूवी के लिए होप है कि मुझे आगे कास्टिंग के लिए। थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सबका और राकेश जी का इनवाइट करने के लिए, सिकंदर भाई का, और हमारे प्रोड्यूसर्स रामा क्रिएशंस,
विद द्वारका जी एंटरटेनमेंट के साथ में, और आफ्ताब फिल्म का मुहूर्त हो रहा है ये। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं राकेश जी को, प्रदीप जी को, सिकंदर भाई को, सारी टीम को जो भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। आफ्ताब तो अपने आप में एक अभी हॉट टॉपिक है, जैसे अभी रिसेंटली हम लोग ने आफ्ताब और श्रद्धा के लिए आवाज़ उठाई थी लोखंडवाला बैक रोड पे, देखे होंगे सारी मीडिया में थी, और तो ये टॉपिक भी हॉट है और आफ्ताब नाम अपने आप में हॉट है, और सब्जेक्ट जो है सर का राकेश जी का कमाल है, अच्छा सब्जेक्ट है, और मुझे खुशी होगी कि हम लोग एक टीम का हिस्सा लेके मिलके काम करें, एक अच्छी फिल्म बनाएं, एक अच्छा सिनेमा बनाएं और लोगों में एक अच्छा सिनेमा दिखाएं, और बस आप सबसे प्यार और यही उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेंगे। आप भी हो फिल्म में कुछ? बिल्कुल, मैं अगर हूँ तो ज़रूर हो सकता है, अदरवाइज मैं ऐसी जगह जाता ही नहीं हूँ जहाँ मैं ना हूँ। वो थोड़ा सा डिस्क्राइब सस्पेंस है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे राकेश जी और हमारी बातें चल रही हैं ज़रा उस पर, तो वो हो जाए डेफिनेटली हम लोग करेंगे साथ में। और आफ्ताब एक लाइन के बाद मैं एक ही लाइन बोलूँगा, मैं जो इन पर फिदा हुआ जब मुझे अच्छे लगते हैं आवाज़, मैं आवाज़ में अमिताभ जी का बहुत बड़ा फैन हूँ जी, और मैं जब इनसे जब पहली बार मिला था, जब इन्होंने मुझे बात करना शुरू किया था, मैंने फिल्म कास्टिंग के लिए बुलाया था, इनसे डिस्कशन कर रहा था जी, तो बातें करते मैंने पता नहीं कि इनका कंपेरिजन मैंने अमिताभ जी के साथ कर दिया, बड़ी बात है, वो लेजेंड है। आवाज के धनी, मतलब किसी को एक किसी इंसान को मानता हूँ तो अमिताभ, अमिताभ और केवल अमिताभ मेरे लिए। उसके बाद बहुत बहुत थैंक यू, मतलब मैं सीधा मतलब उस नाम का किस नाम को जोड़ा है तो मैंने इनका नाम जोड़ा है। बहुत बहुत बड़ी उपाधि है, और मैं तो एक जिम्मेदारी है कह लूँ, मेरे साथ आनंद भी बैठा है और सब लोग अच्छा कलाकार है अभी, और एक अच्छी टीम बन जाए, और ये सब जिम्मेदारी जो अवार्ड्स मिलते हैं, अभी अवार्ड्स मिले मुझे, हमेशा मिलते रहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं, तो जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं कि आप क्या करना है। अब इतना साल हो गया है, 10 साल से 25 प्रोजेक्ट कर लिए, गाना सुपर हिट है, 100 मिलियन है, तो आप नई चीज़ देनी है तो वो ऐसी हो कि हिट ही हो, और एक अच्छी फिल्म की तलाश सबको होती है, एक सुपर हिट, और जब तक वो नहीं दो तब तक आपको पता है ग्राफ कहाँ है, तो कॉम्पिटिशन का दौर है, और सिनेमा लाइन, और अभी सिनेमा का सिनारियो बहुत चेंज हो गया है, लोग अच्छे सिनेमा पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लॉबी में इश्यूज आते हैं स्टार कास्ट को लेके, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के ज़रिए जितने भी ऑडियंस को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नए लोगों की फिल्में आप देखें, अगर आप फिल्में नहीं देखेंगे तो नए लोग कहां जाएंगे, और वैसे भी नया ही पुराना होता है, पुराना पुराना नहीं होता है, राइट कह रहा हूं, तो इसके लिए अगर फिल्में देखना है ऑडियंस को, अगर नए लोगों को आगे बढ़ाना है, नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो ऑडियंस को चाहिए कि नए लोगों की फिल्में देखें, उनको आगे बढ़ाएं, जब आप देखेंगे तो अपने आप चांस मिलता है, जब आप देखते नहीं हैं तो नए लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज आते हैं, अच्छे कलाकार उनको सब कलाकार जो भी हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए, और आपका आशीर्वाद और प्यार दे दे रहना चाहिए जैसे कि आप हमेशा देते हैं हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आनंद सर, सबसे पहले हमारी जितनी मीडिया सबको मेरा प्यार, मैंने इस फिल्म की कहानी सुनी थी आफ्ताब, और आपको मालूम है एक गर्म मुद्दा है और अभी भी गर्म मुद्दा है जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि राकेश जी से हमारी जब मुलाकात हुई थी तो हमने इस फिल्म की स्टोरी सुनी है, बहुत ही देखिए जिस तरह कहते हैं ना कि हर माँ को अपना बच्चा पसंद है, उसी तरह राकेश जी को ये जो स्टोरी है उनका एक बच्चा है, उन्हें वो पसंद है, उनके जो जी रहे हैं, मर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मेरी बात होती है कभी इनसे तो बोलते हैं कि बस आफ्ताब आफ्ताब आफ्ताब, सही बात है। सिकंदर जी के साथ मैंने 8 साल पहले काम किया था, आज बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई, नफे भाई को तो दिल से धन्यवाद, मौका है फिर से काम करेंगे, और एक ही चीज़ कहूँगा आप सभी से कि हर किसी को मौका दीजिए, जब तक कोई किसी को मौका नहीं देगा तब तक कोई आगे इंसान बढ़ नहीं सकता, यहाँ कोई किसी का गॉड फादर नहीं है हमारे इंडस्ट्री में, और जब गॉड फादर नहीं है तो आपको अपने दम से खड़ा होना ही है, तो सबसे बड़ी बात है एक ही वर्ड कहूँगा कि जब भी ये फिल्म आए आफ्ताब तो आप लोग जरूर देखिए एक बार, और दिल से देखिएगा, क्योंकि फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती है, फिल्म फिल्म होती है, ऑडियंस हमारे कह देते हैं कि फिल्म ऐसी हो गई, लेकिन उस फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत होती है दिन रात ये कोई नहीं जानता है, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। एक छोटा सा सीन है, मैं आपको बात करना चाहूँगा, उससे बहुत बड़ा मैसेज है, मैं फिल्म नैनीताल में शूट कर रहा था भाई, तो शूट करते करते पता नहीं कब कोई एक सज्जन थे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, दिल्ली से थे, वो आके बैठ गए, एक्शन सीन चल रहा था और
वो आके मुझे जब सीन ख़त्म हो गया तो वो आके मुझसे हाथ मिलाए, बोले सर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तो मैंने सोचा पता नहीं कुछ बोलेगा यार, कैसे शूटिंग वूटिंग करते हो। तो बोला सर एक आपका हाथ पकड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक वादा करके जानना चाहता हूँ कि अब मैं फिल्मों को बुरा नहीं कहूँगा। मैंने कहा सर क्या बात है। बोले आप लोग इतनी मेहनत करते, सालों की आपकी मेहनत होती है, दो घंटे में सिमटते हैं और हम टिकट 100-200 का टिकट लेके देखते हैं और फिल्म को अच्छा बुरा बोल के आ जाते हैं। बोला मैं आपसे वादा करके जाता हूँ आज से फिल्म को बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि सब कोशिश करते हैं एक अच्छी सिनेमा बनाने की। ज़रूरी नहीं हो कि आपको मेरा थॉट आपको पसंद आए। घर में रिश्ते नहीं निभ पाते, घर में आपस में मेल और सोच नहीं मिल पाती है, बाहर की बात क्या है। कोशिश करता है डायरेक्टर की फिल्म बने, एक अच्छी सिनेमा बने, लोगों तक पहुँचे। अब सबको पसंद आए तो जाहिर बात नहीं है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि हमारी सिनेमा आफ्ताब सबको पसंद आए और वैसा ही टॉपिक लेके हम लोग आ रहे हैं और जल्दी आपको थिएटर में मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सर।